मेरी कई माताएं बहनें सुबह शाम माता की भक्ति करती है, अपने इष्ट की भक्ति करती है, उसके बाद भी दुखी रहती है और भक्तों के घर में जाके चक्कर काट काट के परेशान हो गए हो, पर कहीं भी आपको समाधान नहीं मिल रहा। कभी आपके घर में कलेश, कभी तबियत खराब, कभी डॉक्टर के पैसे जा रहे, कभी भक्तों के जा रहे, कभी कहीं जा रहे, कभी कहीं जा रहे हैं, पर समाधान हो ही नहीं रहा। क्या दिक्कत आ गई, ऐसा भगवान हमारी बात सुन क्यों नहीं रहा, क्या कमी रह गई हमारी पूजा पाठ में, और कहां हमने कमी छोड़ दी। भाई सारे क्वेश्चनों के जवाब इसके वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगे, वीडियो को अंत तक देखना। एक एक चीज मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा, अंदर तक की बात आपको बताऊंगा। अगर आज ये वीडियो को देख के आप कुछ आपके पल्ले पड़ जाए, आपके माइंड में कुछ बात आ जाए, तो मैं ये वीडियो बनाने का मकसद पूरा समझूंगा। और वीडियो अच्छी लगे तो अपने जानने वालों में भी फैला देना। भाई मैं आपका प्यारा विकास दैया दिल्ली दरबार से, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि अभी हमने 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रख रखा है, जिसमें हम आने वाले समय में एक एनजीओ ओपन करने जा रहे हैं, जिसमें हम अपनी गरीब बहनों की शादी करा सके और जो भाई रोड पे सोता है उनके लिए खाने पीने तक का हम इंतजाम कर सके। और हाँ, साथ में अगर आप बेल आइकन दबाते हो, जब जब हम लाइव आएंगे, लाइव में हमसे जुड़ के आप अपनी समस्या का समाधान भी हमसे ले सकते हैं। समस्या क्या कुछ भी क्यों ना हो, भूत प्रेत जिन मसान को बंधन, क्रिया बंधन, व्यापार बंधन, किसी प्रकार की दिक्कत, समस्या, तंत्र विद्या क्यों ना हो, आप हमसे लाइव में जुड़ के अपनी समस्या का समाधान हमसे ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दोनों तरफ स्क्रीन पे दे रखा है, आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो लेट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दरबार का डंका हो, संकट की लगा दे लंका हो, दिल्ली दरबार का डंका हो, संकट की लगा दे लंका हो, दरबार निराला सारे जग ते प्यारा, सारे भूत प्रेत हो वे दूर, बालाजी ऐसी कृपा कर दे जीते जी। अच्छा, सबसे ज्यादा मेरी बहनों के क्वेश्चन होता है, भाई जी मेरे अंदर माता आती है और मेरे शरीर में माता आके खेलती है, जयकारा लगाती है, फिर भी मेरे काम नहीं बन रहे। मैंने गुरु भी बना लिया, गुरु से भी बनाने के बाद भी मेरे काम नहीं बन रहे, मेरे आज भी हालत वही है। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले क्लियर करूंगा मैं। भाई पहले मैं आपको बताता हूं, आपके शरीर में जो शक्ति खेल रही है वो माता नहीं है, उसको मैं पूरी वीडियो आप अंत तक देखना, आपको खुद समझ आ जाएगी। आज मान के चलिए आपके घर में कोई संकट है, कोई भूत है, कोई प्रेत है, कोई जिंद है, आपके घर में लग चुका है और उसका इलाज कराने के लिए आप चौकी पे जाते हो, दरबार में जाते हो, वो चौकी वाला आपको 3 उतारे बता देता है, 4 उतारे बता देता है। उतारने के बाद जैसी 4थी बार आप 5वीं बार उस दरबार में जाते हो, वो कहता है संकट काट दिया और आपके ऊपर हाथ टेक देता है। हाथ टेकने के बाद आपके ऊपर माता खेल रही है, तो समझ लो भाई आपके शरीर में माता नहीं आ रही है। पहली बात सुन लेना, क्योंकि जो वो भूत प्रेत था उसका भोग दिलाया गया है कि भाई तू मेरे इशारे पे अब काम कर, जिसके भेजा था, किसने भी भेजा था, उसके सारे तंत्र मंत्र को काट कर और तू मेरे इशारे पे काम कर, अब मैं तेरे को माता का रूप देके इस घर में पुजवाऊंगा। सबसे आसान तरीका बता रहा हूं, भक्तों द्वारा चलाया गया ये एक सिस्टम है, जिस सिस्टम में आप फंस चुके हो। क्योंकि बात मानना, आज से आप 10 साल 15 साल पहले चले जाओ, किसी के घर में इतने तंत्र विद्या का प्रयोग नहीं होता था। होता था गांव में 3-4 घरों में होता है। जब से ये लाइन, हमारी भक्ति लाइन YouTube पे आई है, YouTube पे इसको वायरल हो गया है इसका, तो हर घर में माता खेलने लग रही है, हर घर में भूत की समस्या, हर घर में प्रेत की समस्या। क्यों? क्योंकि इसी का नाम कलयुग है और कलयुग को वरदान है कि इसमें भगवान की पूजा कम हो जाएगी और शैतानों की पूजा को बढ़ावा दे दिया जाएगा। और आप अपने घर में भूत प्रेतों को भगवान का दर्जा देके उनको पूज रहे हो, उनको अपना सर्वप्रथम मान रहे हो, वो आपके शरीर में आते हैं, खेलते भी है, आपके कार्य भी कर देते हैं और फिर आपके साथ गलत भी कर देते हैं। यही प्रेतों की, शैतानों की पहचान है। अगर कोई अच्छी शक्ति आपके साथ चलती, कोई देवी देवता का गण आपके साथ चलता, तो चलो मान लिया। ऊंच चूक तो भाई हर किसी के साथ होती है, कर्म सबसे बड़ा प्रधान है, कर्म का तो आपको भुगतना होगा, थोड़ा आप थोड़ा डाउन चलता रहेगा, पर उस कर्म को बिल्कुल ना मात्र करके आपके जीवन में लेके आया जाता है अच्छी शक्तियों के द्वारा। मान के चलना आपका कोई बड़ा नुकसान होने वाला होता तो उसमें छोटा नुकसान होकर आपका रह जाता है और वो कर्म आपका बलवान हो जाता है, क्योंकि शक्ति आपके साथ है, भगवान का देवी देवता का आशीर्वाद आपके साथ है। तो आपको बता देता हूं, जिन जिन माताओं बहनों में मेरी माताएं खेलती है और वो सोचते कि मेरे काम नहीं बन रहे, मेरा हो क्या रहा क्या नहीं, तो उनके साथ कोई भी माता नहीं खेल रही है। क्योंकि सबसे पहले मैं बता देता हूं, कोई भी शक्ति अगर आपके शीश में आएगी तो ना तो वो कोई भोग मांगेगी, ना कोई प्रसाद मांगेगी, जो आप श्रद्धा से दे दोगे, भाव से दे दोगे, वो स्वीकार होगा। आप जैसा गुरु आप बनाओगे वैसी आपकी शक्तियां कार्य करेगी। सात्विक गुरु जाओगे तो सात्विक तरीके से आपकी शक्तियां कार्य करेगी, तामसिक के पास जाओगे तो तामसिक के। तो ऐसा क्यों, अगर मेरी शक्ति सात्विक है, मान के चलना आपकी कुल की देवी कोई सात्विक और आप तामसिक गुरु के पास जा रहे हो, सुनना मेरी बात, तो आपकी शक्तियां तामसिक क्यों मांगने लग जाती है? और जबकि आपकी शक्तियां तामसिक, आप घर में मुर्गा मीच मच्छी देते आए हो और आप सात्विक गुरु के पास जाते हो, तो आपकी शक्तियां सात्विक कैसे हो जाती है? डिपेंड सारा भगत के ऊपर करता है, ये खेल ही भगत का। भाई
भगवान ने भगत को आशीर्वाद दे दिया जा जगत कल्याण कर। अब वो भगत किस तरीके से जगत कल्याण करता है, किस तरीके से आपके माइंड के साथ खेलता है, वो सारा डिपेंड उस भगत पे करता है। खेल निराले है भगत के भाई। मान के चलना आज मेरे माता बहने, देखो मैं कुछ पहचाने बताता हूं, आप समझ जाना कि आपके घर में दिक्कतें क्या है। आप अपने पति के साथ पर्सनल टाइम स्पेंड करते हो और वो टाइम स्पेंड करते करते आपकी डेली लड़ाई हो जाए, आपका एक दूसरे से बात करने का मन ना करे, बाहर अफेयर करने का मन करे, आपके रिश्ते में कड़वाहट आ जाए, अकेला रहने का मन करे, लड़का हो वो आपका लड़का खराब हो जाए और लड़की आपके घर में जन्म ले रही है, तो समझ लेना कि आपके घर में भाई जी जिंद का साया, जिसको हम पिचास कहते हैं, मुस्लिम भाषा में जाए तो उसको जिंद कहा जाता है और हिंदू भाषा में इसको पिचास कहा जाता है, कि पिचास है भाई ये, इसको कहा जाता है भाई जी, तो हिंदू में तो इसको पिचास कह दिया। इसमें होता क्या कि आपके पति के साथ नहीं बनेगी, आपका बाहर भागने का मन करेगा, दूसरों से बात करने का मन करेगा, अपने पति को छोड़कर सब अच्छा लगने लग जाएगा, घर में रिश्तों में कड़वाहट आने लग जाएगी। और इसी को लोग बाग कई बंदे नाम दे देते हैं, जब औलाद नहीं होती भाई आपके घर में तो आपका पितर दोष है, पर पितर दोष नहीं होता ये, पितर हमारी एक ऐसी शक्ति है कि मान के चलो कि सबसे पहले कोई आपके दरवाजे पे खड़ा मिलेगा तो वो आपके पितर है। पर कई भगत करते क्या है कि आपके पितरों की भी पूजा बंद करवा देते हैं, कि पितरों की पूजा नहीं करनी चाहिए, पितर प्रेत होते हैं, इनको पूजोगे तो घर में दुख आएगा। पर मैं आपको बता देता हूं, जिसने अपने पितरों की सेवा कर ली, जिसने अपने पितर मना लिए, उस घर में दुख कभी आ ही नहीं सकता भाई। होता क्या कि कुछ कमी रह जाती है, हम कभी भी भक्तों के पास जाते हैं तो हमारे माइंड वॉश इस तरीके से करते हैं, इस तरीके से हमारे माइंड के साथ खेलते हैं ना, कि आप उनकी बातों में फंसते चले जाते हो। आज सीधा आपको मैं बात बता दूं भाई, आपके घर में जिंद है और ये आराम से निकल जाएगा, तो आप भी टेंशन फ्री हो जाएंगे, चलो भाई जो नुकसान कर दिया कर दिया, क्योंकि नेगेटिविटी आएगी तो नुकसान करेगी, वो तो नुकसान करेगी। अगर आप मोटरसाइकिल चला रहे हो और मोटरसाइकिल की स्पीड आपकी 200 150 140 है, तो वो जब टकराएगी ना किसी से तो नुकसान करेगी, वो एक नेगेटिविटी आपका गलत सोच के कारण आपने इतनी स्पीड लगी, तो उसी तरीके से नेगेटिविटी अगर आपके घर में आ गई वो रफ्तार से चलेगी और वो जब टकराएगी थोड़ा बहुत नुकसान करेगी। इसका मतलब ये नहीं कि आपका जिंदगी तबाह होगी बर्बाद होगी, नहीं, आपकी जिंदगी सवर सकती है बच सकती है, वो डिपेंड होता है उस भगत पे। तो भगत करता क्या है आपके साथ, ओहो आपके घर में तो जिंद बैठा हुआ है, आपके घर में तो भूत बैठा हुआ, आपके घर में तो प्रेत बैठा हुआ, भाई भाई साहब इसने तो घर का नाश कर दिया, भाई जल्दी से इलाज करा लो ना तुम्हारे घर में मृत्यु शुरू हो जाएगी। फिर होता क्या कि आपके माइंड के साथ खेल गया, अब आपके माइंड के अंदर डर भी आ गया, मेरी बात सुनो, डर का नाम की चीज भी आ गई। आप रात को सोओगे तो आपको जिंद जो बैठा था वो आपको दिखाएगा सपने, आपके घर में लाशें लाशें दिख रही है, शमशान के दृश्य आपको दिख रहे, आप और डर जाओगे। फिर आप भगत के पास भाग के जाओगे, भगत जी मेरे घर का इलाज कर दीजिए, ये सारी चीज कर दीजिए, वो कर दीजिए। फिर जहां वो इलाज आपका 5 से 10 हजार में होना था, उसी के वो 51 से 1 लाख रुपए आपसे चार्ज ले लेता है। आजकल लोग बात कढ़ाइयों के नाम पे भी, कि माता की कढ़ाई लेके आओ भाई आपका काम हुआ है, उसके नाम के 51 हजार की कढ़ाई, 61 हजार की कढ़ाई, 71 हजार की कढ़ाई आपसे चार्ज लेते हैं। पर ये सारी कोई भी एक फॉर्मेलिटी है भाई जी, जो देवी देवता हमसे नहीं मानते। कढ़ाई में क्या होती, कढ़ाई का मतलब क्या होता है, आपने सुन समझा कभी, कढ़ाई का मतलब होता है भाई जी हलवा पूरी खीर, ये सारी चीजें कढ़ाई की होती है। हम नवरात्र आने वाले हैं, 9वें दिन हम कढ़ाई करेंगे माता रानी की, तो कढ़ाई का मतलब समझा ना कि हम कढ़ाई में क्या क्या करते हैं। और कढ़ाई में आप उस भगतनी को सोने का हार या भगत को सोने का हार गुट्ठी वगैरह आप देके आते हो, सारी चीज देके आते हो, क्या वो भगत उनको पहनेगा या देवी पहनेगी, मेरी बात सुनना, क्योंकि कन्या को दिया हुआ दान सर्वप्रथम होता है। कहते हैं कि किसी कन्या की शादी करा दो 51 हजार रुपए, किसी भगत को देने से अच्छा किसी कन्या को कन्यादान में दे दो। कढ़ाई का मतलब ये होता है, कन्यादान दे दो, छोटी छोटी बच्चों को खाना खिला दो, चलो ठीक है उस दरबार से आपका काम हो तो उस दरबार में जाके आप खिला के आओ। ये बात भगत को उसका मेहनत के दे दो भाई, आपने 5100 देने, 11000 रुपए देने, 21 देने, उसकी मेहनत के दे दो, कह के दो। पर कभी भी ये कह के मत दो कि भगवान ए देव भगत जो गद्दी बैठा जिसको आपने भगवान समझ रखा है, ले ये आपकी कढ़ाई के 51 हजार रुपए। आप किस नाम की कढ़ाई के दे रहे हो, आपने तो उसकी लड़की का शादी करा दी, कन्यादान सा दे दिया, एक कन्यादान सा दे दिया, वही पैसा आप किसी कुंवारी कन्या के किसी गरीब की मदद कर देते तो आपका भी दवाई मिलती। वो भगत 51 हजार रुपए लेने के बाद भी अगली बार जब आप जाओगे कुछ मैं हो गई तो फिर ये बोल देगा तूने किया क्या, चल भाग यहां से, तेरे जैसे बहुत देखिए, वो फिर भी गाली देके भेजेगा। बल्कि किसी कन्या को शादी करा के आऊंगे ना, वो कन्या जिंदगी भर आपका एहसान मानेगी कि एक भाई आया था, एक पिता रूप में आया था जिसने मेरी शादी में मेरा कन्यादान दिया, जिंदगी भर आपको आशीर्वाद देगी। और देवी देवता भी देखेंगे कि हाँ भाई बिल्कुल ठीक बात कह रहा है। मैं बात जेन्युइन कहूंगा, रियल कहूंगा, बुरी लगे तो 70 बार लगो, जिन चौकी वालों को लगनी है बिल्कुल लगो भाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मैं तुम्हारा लेकर खाता ना तुम मेरा लेकर खाते, अपनी मेहनत का तुम कमाते हो, अपनी मेहनत का हम कमाते हैं। पर जो लोग है जो भोले जनता ना,
इसको समझाना मेरा काम है और मैं समझाता रहूंगा। कई लोग आजकल भाई अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जाने लगे हैं, अपने धर्म की खुद बुराई हम करने लगे आज के टाइम में। क्यों? क्योंकि इन भक्तों का जो साइकिल चली है ना भाई, आज आप भैरव बाबा की चौकी पे जा रहे हो, कल आप माँ काली गेट पे जा रहे हो, कल परसों बालाजी पे जा रहे हो, और उन भक्तों का जो चक्कर है, इस चक्कर में फंस के आप परेशान हो चुके हो। पैसे सब चार्ज करते हैं, मैं भी करता हूं चार्ज भाई, मैं भी अपनी मेहनत कर लेता हूं, सब करते हैं। आप डॉक्टर के पास जाऊंगे तो डॉक्टर भी अपनी मेहनत कर लेगा, देखने का, एक हाथ लगाने का ही वो ओपीडी की फीस ले लेता 1100-1200 रुपए, सब लेते हैं भाई चार्ज, सब चार्ज करते हैं भाई। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप चार्ज कर रहे हो, सारी चीज कर रहे हो तो किसी को इतना डरा दो, अपने धर्म की बुराई कर दो। आपको मैं बता देता हूं, आप दुनिया में कहीं भी धक्के खा लेना, जब तक आपके ऊपर चार शक्ति खुश नहीं है तो आप बिल्कुल भी कभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हो सकते। एक आपकी कुल की देवी, जिससे कुल के वंश चलते हैं, लड़का होगा लड़की होगी, क्या देना क्या नहीं, आपकी कुल की शक्ति, अगर ये खुश हो गई तो आपके घर में कभी भी औलाद बीमार नहीं होगी, आपके बच्चे बीमार नहीं होंगे, आप कभी भी किराए के घर में नहीं रहोगे, कहीं ना कहीं ये रास्ता निकाल के आपका खुद का मकान भी आपको करवा देगी। पितर देवता, आज आपके घर में 1 किलो आटा है, 1 किलो आटे में 4 बंदे खाना खाएंगे या 5 बंदे खाना खाएंगे, आटा खराब तो नहीं जा रहा है, दूध फंस तो नहीं रहा, दूध निकल तो नहीं रहा, घर में बरकत हो रही है या नहीं हो रही है। अगर आपके घर में बरकत नहीं हो रही है, मतलब मान के चलिए आज आप 1 किलो दूध लेके आए, वो डेली फट जाता है, खराब हो जाता है, या कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है, तो ये होती है भाई पितर की समस्या, कि पितर आपसे कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं, उनका भोग प्रसाद निकालना शुरू कीजिए। अगर आपके घर पे कोई बंधन लगा हुआ है कि पितर आपका भोग ना स्वीकार कर पा रहे, तो उस बंधन को तुड़वाइए किसी अच्छे से। अगर कोई भगत ना मिल रहा हो तो माता बंगलामुखी का अपने घर में, या माँ काली का, या बाबा भैरव का हवन करा लीजिए, कि यानी कि बंधन खुलवाने के लिए। जब वो हवन पूरा हो जाएगा तो कोई अच्छा पंडित होगा तो वो आपके दरवाजे पे नींबू काट देगा, कोई भी तंत्र विद्या से किसी भी तरीके से आपके घर पे बंधन हो रखा होगा तो बंधन भी खुल जाएगा भाई, जिससे आपके पितर प्रवेश कर सकेंगे और आप अपने पितर को भोग प्रसाद लगा सकोगे। अगला आते कुल देवता। कुल देवता का कार्य क्या होता भाई? हमारा बंदा क्या कार्य करेगा, हमारा बच्चा जो ये क्या कार्य करेगा, मतलब मान के चलो आप डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, आप बार बार पढ़ाई करते हो, मतलब मान के चलना आज आप पढ़ाई में ध्यान दे रखा है और आप ये कहते हो कि भाई मैं एक नंबर से रह गया, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, मैं आईपीएस की तैयारी कर रहा हूं, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, पुलिस की तैयारी कर रहा हूं, मैं एक नंबर से रह जाता हूं, मैं 2 नंबर से रह जाता हूं, तो कहीं ना कहीं समझ लेना कि आपके कुल देवता की समस्या आपके घर में है। कुल देवता को खुश कीजिए, उनके चरणों में जाइए, आपकी तरक्की होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इष्ट देवता, जिसको हम मानते हैं इष्ट, इष्ट हमारे होते हैं, जैसे बालाजी हो गए, बालाजी माँ काली हो गई, भैरव बाबा हो गए, कोई भी ऐसी शक्ति जिसको आप अपना आराध्या मानते हो कि हाँ मैं तो इन्हीं के चरणों में अपना नतमस्तक होऊंगा, वो शक्ति आपकी ओपरे पराय से, नेगेटिविटी से रक्षा करती है कि आपके घर में कोई तंत्र ना चले, कोई मंत्र ना चले, कोई वो ना हो, आप हर तरीके से खुशी रह सको, वो आपकी कार्य करते हैं। तो ये 4 शक्तियां ऐसी है कि ये अगर आपके ऊपर खुश हो गई ना, ये आपके मान गई, तो आपके घर में कभी भी तंत्र चल ही नहीं सकता। उसके बाद आते हैं भाई गुरु। अब ये 4 शक्ति तो आपकी पहले आ जाती है, इनके बाद जो आता नंबर आता है गुरु का, पर गुरु क्या होता है, आज के टाइम में गुरु आगे बैठा दिया, अपने घर के देवता भी पीछे कर दिए भाई, अपने घर के देवता पीछे कर दिए, गुरु आगे आ गया और गुरु ने बोल दिया भाई तुझे अपने घर की कुल देवी नहीं पूजनी, पितर नहीं पूजने, तू एक काम कर माँ काली की पूजा कर, तू एक काम कर भाई मेरी पूजा कर। आजकल कई गुरु तो अपनी फोटो लगवा देते हैं घर में, कहते मेरी ज्योत बत्ती किया कर, कहां पे ठीक है भाई। मान के चलो उस गुरु ने आपकी खुद की माँ, जो जन्म देने वाली माँ ना, उसको भी साइड में कर दिया, जिस घर में खुद के माँ बाप की इज्जत नहीं तो वो दूसरे की क्या करेगा भाई जी, मेरी बात सुन लेना, मैं समझाऊंगा एक बात रियल समझाऊंगा, समझ लेना मेरी बात। घर में अगर जिस माँ ने जन्म दिया उसकी इज्जत नहीं है ना, और गुरु की इज्जत है, तो वो गुरु भी किसी काम का नहीं है भाई जी। उसी तरीके से घर में अपने घर की पहले कुल की देवी की, अपने पितरों की, अपने देवताओं की इज्जत नहीं है ना, जिस गुरु ने ज्ञान नहीं दिया कि भाई पहले अपने देवता को पूजो बाद में मेरे पास आओ, वो गुरु कहलाने के लायक ही नहीं है। क्योंकि सबसे पहले गुरु भी बाद में आता किसी घर में, सबसे पहले चलेंगे तो उनके घर के कुल देवी कुल देवता इष्ट पितर देव चलेंगे, फिर गुरु चलेगा। ये नहीं कि गुरु आगे चलेगा फिर देवता चलेंगे, और जिसने ऐसा कर दिया उस घर में कभी भी सुख शांति आती ही नहीं है, ना ही वो घर कभी सुख रहता है, वो हर पर हर दिन परेशानियों से घिरा रहता है। जो लोग अपने देवता को छोड़ के अपने गुरुओं के चरणों में बैठे हुए हैं वो कभी खुशी से रह ही नहीं सकते। हाँ, अपने देवताओं को आगे करके जो अपने गुरुओं के चरण में बैठे हुए हैं वो लोग कामयाब होंगे भाई। मान के चलना आज मैं आपको एक छोटी सी बात समझाता हूँ, एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, मानना आप मैं जो बात बताता हूँ। अब पितर पक्ष आ रहा है, पितर पक्ष आ रहा है,
अब पितृ पक्ष में सब कहते हैं कि भाई रोटी निकालने पे लगे होते हैं, कोई भी पांच जो औरतें 9-10 बजे उठती है वो 5 बजे उठ के रोटी खाना निकालने के लिए भागती है, नहाती है, धोती है, खाना बनाती है और भाई अपने पितरों का खाना दे के आती है। क्यों? क्योंकि उनको डर है अगर पितर नाराज हो गए तो हमारे घर में बरकत नहीं होगी। और पितर अभी ये 16 दिन होते किस लिए, जो हमारे पूर्वज हम से गए, जैसे पिता हो गए, माता हो गई, दादी हो गई, दादा हो गए, उनका हम श्राद्ध निकालते हैं। अब जीते जी तो उनको कभी गले लगाया नहीं, उनको एक रोटी दी नहीं, गाली देते रहे, आजकल घर घर की कहानी है। और मरने के बाद हर घर में उनके लिए खाना निकाला जाता है कि हमसे नाराज ना हो जाए। अरे जीते जी सेवा कर लेते तो आज इतनी भागने की जरूरत ना पड़ती, आज 9-9 बजे भी उठ के आप खाना निकाल देते हो, स्वीकार कर लेते, चल हमारे बेटा है, बहू है। तो उसी तरीके से अगर घर के देवता नहीं पूजोगे और बाहर वालों को घर में अपने एंट्री दोगे, ठीक है, मान के चलना आज आपके घर की कुल देवी माता बेरी वाली है, माता शीतला है, आपके गुरु की घर की कुल की देवी माता पाथरी वाली है, कोई ऐसी शक्ति है, ठीक है, माँ काली है, मान के चलना आज आपके घर की तो माँ आपके घर में नहीं, आपके गुरु की शक्ति आपके घर में विराजमान हो गई, तो भाई आपके घर में सुख आएगा, शांति आएगा, कहां से आएगा यार, मेरी बात समझने की बात है। पहले अपने घर की, अपनी माँ को तो मनाओ, जिस कुल में आप जन्म हो, जिस कुल में आप चल रहे हो, उस कुल की देवी को तो मनाओ। वो कुल की देवी मान गई ना तो वो गुरु भी अच्छा मिल दे देगी आपको, संस्कार भी अच्छा दे देगी, आपके बच्चों की रक्षा भी करेगी, आपके घर में स्वयं वो प्रथम रक्षा करके खड़ी हो जाएगी। गुरु आपके साथ कुछ गलत भी करना चाहेगा जब भी गलत नहीं कर पाएगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते एक नई जानकारी के साथ, एक नए विषय के साथ, जब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव, हर घर महादेव।